अरब मीडिया ने ईरान की भविष्य की नीतियों को लेकर अटकलें और अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। इसकी एक बड़ी वजह नए राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी की कट्टरपंथी छवि है। ऐसा माना जा रहा है कि रईसी के राष्ट्रपति बनने के साथ ही इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि रईसी सत्तारूढ़ कट्टरपंथी अभिजात वर्ग से संबंधित हैं और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता के करीबी हैं। इस बीच कई लेखक और जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन ईरान में कट्टर शासन प्रणाली के पक्ष में नीति अपनाएगा। इससे पहले नवंबर 2019 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रईसी समेत 8 अन्य लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का मानना था कि ये सभी अयातुल्ला अली खामेनेई के बेहद करीबी हैं और मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं। लेबनान के दैनिक समाचार पत्र अन्नाहार अल अरबी में फारिस खाशान ने उम्मीद जताई कि ईरान में रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद इस इलाके में ईरान का प्रभाव अधिक होगा। खाशान के मुताबिक ईरान चाहेगा कि वो इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी के बदले एक ऐसे शख्स को लाए जो ईरान के प्रति वफादार हो। खायरल्ला ने लंदन स्थित समाचार पत्र अल अरब में लिखा है कि यमन में ईरान सना में एक नए सिस्टम की नींव रख रहा है। उन्होंने लिखा कि ईरान ने लेबनान के इलाकों में जो किया वही अब वो यमन में कर रहा है। वो लेबनान को पूरी तरह से बदलने की राह पर है। यही बात इराक पर भी लागू होती है जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज करने को लेकर उतावला है। कई राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाया है कि ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी से क्षेत्र और दुनिया को किस तरह की उम्मीदें हैं। अब्दौ खल ने सऊदी औकाज में लिखा है कि दुनिया अब ईरान के नए राष्ट्रपति के पहले कदम की प्रतीक्षा कर रही है। या तो उनका पहला कदम बीते 4 सालों में हुए नुकसान को ठीक करने की दिशा में होगा या फिर ऐसा जिससे ईरान में हालात और बिगड़ेंगे। सऊदी वित्त पोषित और लंदन स्थित अशरक अल अवसाद में अब्दुल्ला अल उताबी ने कहा कि क्षेत्र में आने वाले समय में सबसे खराब हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वियना वार्ता के परिणाम ईरान में शासन की क्रूरता और हिंसक गतिविधियों के साथ साथ शक्ति संतुलन में बदलाव को बढ़ाएंगे, जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधनों और वैश्विक संबंधों में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने अमेरिका के प्रति ईरान के कट्टरपंथियों के दृष्टिकोण पर कहा कि वो और सख्त रुख अपनाएंगे और फिर वो विस्तार और प्रभावित करने की नीति के तहत आगे बढ़ेंगे। सऊदी औकाज में खालिद अल सुलेमान लिखते हैं कि ईरान के सभी राष्ट्रपति कमोबेश एक ही तरह के और सिर्फ मुखौटा भर हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी के देशों को निर्वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी या उनके पहले के राष्ट्रपतियों की सुधारवादी प्रकृति होने के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि खाड़ी देशों के प्रति उनकी आक्रामक नीति हमेशा एक समान ही रही और इसका सामना करने का एकमात्र तरीका किसी पर भी निर्भर न रहते हुए राजनीतिक रुख को एकजुट रखना ही है। कई जानकारों का कहना है कि भले ही ईरान को अगस्त में नया राष्ट्रपति मिल जाए, लेकिन इससे कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन जानकारों का तर्क है कि ईरान में राष्ट्रपति सिर्फ एक चेहरा भर हैं और असल शासन खामनेई के ही हाथ में है, वही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। लंदन स्थित अल अरबी अल जदीद में अल फातिमा यासीन लिखती हैं कि ईरानी नीतियां राष्ट्रपति के दफ्तर में तय नहीं होती, क्योंकि वहां उससे भी बड़ा एक निकाय है। वहीं सर्वोच्च नेता का कार्यालय है जहां ईरान के नीति निर्माण से जुड़े सभी फैसले लिए जाते हैं। इयाद अबू शकरा ने अशरक अल अवसाद में लिखा है कि ये चुनाव डिजाइन ही इस तरह किए गए थे कि रईसी को ही विजेता बनाया जाए। शकरा रईसी को खामेनेई के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि रईसी के राष्ट्रपति बनने से ईरान में राजनीतिक जीवन पर रूढ़िवादी प्रवृत्ति की पकड़ और मजबूत होगी। अमेरिका के साथ ईरान के संबंधों के लिहाज से राष्ट्रपति पद पर नए चेहरे का आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ईरान में नए प्रशासन के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण से ईरान को लाभ होगा, खास तौर पर परमाणु वार्ता के संबंध में। सऊदी औकाज में खालिद अल सुलेमान लिखते हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर रईसी का जीतना अमेरिकी प्रशासन के नैतिक मूल्यों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन अमेरिकी प्रतिबंध सूची से रईसी का नाम हटा देता है या नहीं।